सो गाइस फाइनली मैं यहाँ नहा करके आ गई हूँ और मेरे बाल आधे से ज्यादा सूख चुके हैं, तो इन्हें चलो हम सिक्योर कर लेते हैं, इनके बाद हम आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। सो गाइस मैंने अपने हेयर को सिक्योर कर लिया है एंड फिर इसके बाद हम करेंगे फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वाव का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चलो हम फेस वॉश कर लेते हैं। ये ना एक्चुअली ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से यूज़ करना टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। एंड फिर ये ना पता नहीं कि ये एकदम हार्ड सा हो गया है और ये दबता ही नहीं है, तो फाइनली अभी दब रहा है। चलो निकालते हैं इसको हम। फेस वॉश करने से पहले आपको अपने फेस को वेट करना होगा, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने फेस पे फिर ये लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी फेस वॉश इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि नहाते टाइम मैं फेस वॉश करना भूल गई थी, और अक्सर ऐसा होता है मैं फेस वॉश ले भी जाती हूँ ना तो नहाते टाइम भूल जाती हूँ फेस वॉश करना, तो फिर बाद में नहाने के बाद याद आता है कि हाँ अरे फेस वॉश तो मैंने किया ही नहीं। चलो बाद में अभी कर लेंगे, फिर जब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, फिर मेरा बाथरूम ऊपर है तो जब मैं वहाँ से नीचे आती हूँ तो फिर नीचे नल के पास मैं फेस वॉश अपना करती हूँ। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हो जो फेस वॉश करना भूल जाते हो? आई एम श्योर कुछ लोग साथ ऐसा होता ही होगा। फिर लगाने से ये होता है ना कि आपके फेस का मसाज भी हो जाता है और जो भी जितने भी डेड सेल्स वगैरह होते हैं ना वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उससे आपका फेस जो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये हो गया मेरा, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड फिर इसके बाद मेरे यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे उसे मैं निकालूंगी अभी। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिप ऑर्डर किया था, वो आ चुका है, तो चलो हम निकालते हैं। सो ये रहा, इसी से मैं अपना यहाँ पे से लगाऊंगी और इसे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स निकालूंगी, तो चलो निकालते हैं। गाइस मेरे साथ अभी एक ब्लंडर हो गया, हुआ ये कि मुझे लगा कि इसने ऐसे चिपकाने के लिए दिया होगा, उसे निकालना होगा फिर इसके बाद हम यहाँ चिपकाएंगे तो फिर जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो निकल जाएंगे। एक्चुअली मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ करने वाली हूँ। फिर मैंने अभी यूट्यूब पे देखा कि हाँ कैसे इसे यूज़ करते हैं एंड देन अब मैं इसे लगाने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना इसके लिए, क्योंकि फर्स्ट चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करना क्या करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप सोशल मीडिया पे ही जाकर चेक करते हो कि कैसे यूज़ करते हैं क्या करते हैं। तो चलो हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नोज़ को वेट कर लूँगी वाटर से, जितने भी एरिया में आपको चाहिए आप इसे वेट कर लो अच्छे से, एंड फिर वेट करने के बाद हम इसे लगाएंगे अच्छे से, आराम से लगाएंगे ताकि ये जल्दी चिपक मिल जाए। देख रहे हो गाइस चिपक रहा है ये तो। चिपक गया एंड फिर इसे हम कुछ देर तक ऐसे रहने देंगे जब तक ये सूख नहीं जाता, तब ये ड्राई हो रहा तब तक मैं फेस मास्क अपना बना लेती हूँ। तो फेस मास्क के लिए मैं यहाँ पर अल्प गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी मैं यहाँ पर उसका फेस पैक बनाने वाली हूँ। एंड फिर मैंने यहाँ पे से कटोरी में ले लिया है, हल्का सा रोज़ वाटर डालूंगी मैं इसमें क्योंकि मैं नॉर्मल वाटर प्रेफर नहीं करूँगी, आपको रोज़ वाटर से अलग ही खुशबू इसमें आ जाती है, तो मैं यहाँ पर गुलाबरी का रोज़ वाटर इसमें मिला रही हूँ। और बहुत ही थिन पेस्ट बनाऊँगी मैं, थिक नहीं क्योंकि मुझे पतला ही लेयर लगाना है इसलिए। तो चलो अभी हम इसे निकाल लेते हैं, आई थिंक ये हो चुका है अब अपने काम वर्क का। तो लेकिन इसको निकालने के बाद मेरे नोज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं क्योंकि सारा निकल गया है इसमें का। तो अब हम फेस मास्क लगा लेते हैं। फेस मास्क मैंने ये रेडी कर रखा था तो मैं इसे लगा लूँगी। मैं अभी स्पून से इसलिए लगा रही हूँ ना क्योंकि जो स्पून में लगा है वो निकल जाए एंड फिर इसके बाद मैं हाथ लगाऊँ इसमें।
सो फाइनली मैंने ये अपना फेस मास्क लगा लिया है। अब हम इसे ड्राई होने का वेट करेंगे, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा इसे ड्राई होने में गाइस। तो हम इसे ड्राई होने देते हैं, मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। सो गाइस फाइनली ये सूख चुका है और ये लगभग 75% सूख चुका, ड्राई हो चुका है। तो इसे हम और ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, अब इसे हम वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ड्राई होगा आपकी स्किन उतनी ही स्ट्रेच होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे खींच गई है मुझसे। इसे हम वॉश करने से पहले ना इसे हम वेट कर लेंगे ताकि इजिली ये आपके फेस से निकल जाए। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, तो हम इसे वेट करने के लिए कुछ इस तरीके से इसे वेट कर लेंगे। वेट करके ना इसे हम अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि ये इजिली निकल जाए और आपकी स्किन पे स्ट्रेच ना पड़े। अब मैं बोल सकती हूँ और आप बात भी कर सकती हूँ, तो इसे हम इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सब कुछ निकल जाए और आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से ये प्रोटेक्ट करता है। स्किन ड्राई है ना, तो आप इसे हफ्ते में से दो या एक बार ही यूज़ करो। और अगर ऑयली है तो ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, आपके ऑयल को निकालता है आपके फेस से। तो आप इसे हफ्ते में दो बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, महीने में 3-4 बार जरूर निकाल। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फेशियल ऑयल। मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी मुझे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का मन नहीं करता, तो मैं फेशियल ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इससे आपकी स्किन का, आपके फेस का आप मसाज भी कर लोगे और वो हट जाते हैं, तो अच्छे से मसाज कर लो। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं, ड्राई भी नहीं होने देते हैं, तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो मैं यहीं पे यही अप्लाई करूँगी एंड इसके बाद मैं यहाँ पर लिप बाम लगा रही हूँ, गुड वाइब्स का लिप बाम है। लिप बाम लगाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लेवेंडर का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। फेस के साथ साथ बॉडी का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसे भी मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो गाइज मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पेशली ये टीनेजर्स के लिए ही था, एवरी गर्ल्स इसे कर सकती हैं। तो वीडियो अगर हेल्प, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।